अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू कुक विद शाहीन। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे मेरी हर वीडियो की अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि बकरीद का टाइम चल रहा है तो लोग नई नई रेसिपीज ट्राई करते रहते हैं, इसलिए आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब रेसिपी, जिसके स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं, तो इसे ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं पोटली बनाने से स्टार्ट करूंगी। हमें इसमें पोटली बनाकर डालनी है, जिसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी। उसमें मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच जीरा लिया है, 1.5 इंच दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम बांधकर पोटली बना देंगे। इसे हमें जो हमारा बीफ है जब हम बॉईल करेंगे उसमें डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है, उसे 1/2 इंच में कट कर लिया है, आप देख सकती हैं, और इसे मैंने धोकर साफ कर लिया है। अब मैं इसे कुकर में डालूंगी और प्रेशर कुकर में डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी हमें काफ़ी कम ऐड करना है क्योंकि हमें पानी बचाना नहीं है, पानी भी सूख जाए और जो बीफ के पीसेस हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। तो 3/4 कप पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, जो कि आप 12 बड़े चम्मच से मेजर कर सकती हैं। 1.5 इंच अदरक डाली है और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा सा डालें क्योंकि अभी हमें जब इसका मिक्सचर बनाएंगे तब भी हमें नमक डालना होगा, इसलिए 2 से 3 बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, ये पोटली, और थोड़ा सा तेल मैं यहाँ पर डालूंगी। 3 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाला है और मैंने चने की दाल 1/2 घंटे के लिए भिगो कर रखी हुई थी वो डाल दूंगी। उसका पानी आप निकाल दें पूरी तरह से और सिर्फ चने की दाल ही डालें। उसके बाद हम इसमें लिड लगाकर इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, और जब तक इसमें 3 से 4 सीटी नहीं आ जाती तब तक के लिए, यानी कि हमें जो इसमें पीसेस पड़े हैं बीफ के वो अच्छी तरह से गल जाने हैं। चलिए अब खोल कर देखते हैं। तो यहाँ पर बीफ के पीसेस जो हैं वो तो गल गए हैं अच्छी तरह से, पर पानी अभी भी है तो इसे मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। आप चाहें तो खुला पकाएं या फिर ऊपर से लिड रख दें और इसका पानी सूखने तक वेट करें। ठंडा होने के बाद हमें इसे पीसना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि गरम मसाला हमें रखना है, यहाँ पर तेज़ पत्ता मैं हटा दे रही हूँ जितने भी मैंने डाले थे। उसके बाद जो पोटली है, पोटली का मसाला मैंने एक बोल में निकाल लिया है, पोटली का मसाला भी हमें इसी के साथ पीसना है। इसे मैं मिक्सर में डाल दूंगी। उसके बाद ये गरम मसाला है पोटली वाला, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें एक उबला हुआ आलू डालूंगी जिसे मैंने छील लिया है। याद रखें, एक बड़ा आलू डालें, अगर आपके पास बड़ा आलू नहीं है तो आप 2 छोटे आलू भी डाल सकती हैं। अब इसे हम पीस लेंगे, ठंडा करके ही पीसें। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल गर्म करके 1 कप चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके रखे हुए हैं। इसे हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है और याद रहे बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें इसे, बिल्कुल लाइट ब्राउन हमें करना है। तो अब यहाँ पर बोल में मैंने लाइट ब्राउन अनियंस निकाल लिए हैं, आप देख सकती हैं, और ये रहा मिक्सचर। ये शामी कबाब की रेसिपी आप मटन से भी बना सकती हैं, मुझे बीफ की ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं बीफ की बना रही हूँ। बस आपको क्या करना होगा कि बीफ की जगह मटन डालना होगा। इसके अलावा मैंने बिरयानी की रेसिपी भी बनाई है, बीफ बिरयानी,
वो भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब मैं ये देखिए आप मिक्सचर है, तो अब मैं इसमें और इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, याद रहे सॉल्ट मैंने पहले भी डाला है तो थोड़ा ही सॉल्ट डालें। उसके बाद ये रहा पुदीना, 3/4 कप है। अदरक, 1 इंच अदरक है ये मैंने घिस ली है, यानी कि ग्रेट कर ली है। हरी मिर्च, और हरी धनिया, इसे भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाथ से कंफर्टेबल है तो हाथ से मिक्स कर लें, वरना आप स्पून से भी मिक्स कर सकती हैं। मिक्स हो गया है, अब आप देख सकती हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने इसमें सारे गरम मसाले भी डाले हैं। इसलिए थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर इसकी हमें पैटी बनानी है। याद रहे पैटी ज़्यादा मोटी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। और हमें पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इन सब सभी को शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई करें, हाई फ्लेम पर ना करें वरना जल जाएगा ये। इसलिए अब इसे हम पलट देंगे, इसी तरह से बाकी की भी सारी बना लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जैसे ही ये शामी कबाब बन जाए इसे गर्मा गर्म सर्व करें अनियन रिंग्स के साथ, यानी कि अनियंस को काट लें। और पुदीने की चटनी होनी चाहिए, वो तो बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ, और ऊपर से नींबू। इन सभी चीज़ों के साथ गार्निश करें और फिर सर्व करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।